गंगा किनारे मीना अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीना बहुत समझदार थी। वो अपने माता पिता की मदद करने की हर कोशिश करती थी। उसके पिता खेती बाड़ी का काम करते थे। मीना हमेशा परियों की कहानियाँ पढ़ती रहती थी और परियों के बारे में ही सोचती रहती थी। काश मैं भी परियों से मिल पाती, काश मैं भी उनके साथ खेल पाती। वो हर रोज रात को अपनी माँ से परियों की कहानी सुना करती थी। एक दिन उसके पापा उसकी मम्मी से कह रहे होते हैं, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, बहुत नुकसान हो गया है, हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मीना अपने मम्मी पापा की बातें सुन रही होती है। वो सोचती है, काश मैं अपने माता पिता की मदद कर पाती। एक दिन मीना अपने माता पिता के साथ एक मंदिर में जाती है। वो लोग दर्शन करके वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में मीना सुंदर तितलियों को देखती है और उनके पीछे भागने लगती है और वो अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। तितलियों के पीछे भागते भागते वो एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाती है। बगीचे की सुंदरता को देखकर मीना को एहसास ही नहीं होता कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गई है। उसे बगीचे में घूमते घूमते शाम हो जाती है। बगीचे का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, मगर बगीचे की सुंदर खुशबू उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तभी उसे एहसास होता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मेरे माता पिता मेरी चिंता कर रहे होंगे, मुझे तो घर जाने का रास्ता भी नहीं पता, अब मैं घर कैसे जाऊँ? वो बहुत डर जाती है कि तभी उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है जो जमीन की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर वो डर जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो देखती है कि वो चमकती चीज जमीन पर आ गई। अरे ये क्या है? वो कोई और नहीं बल्कि एक सुंदर परी होती है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे ही एक एक करके बहुत सारी परियां वहां आ जाती हैं। फिर कुछ परियां एक सिंहासन लेकर आती हैं और उसको जमीन पर रख देती हैं। तभी एक बहुत ही सुंदर परी वहां आती है और उस सिंहासन पर बैठ जाती है। वो उन परियों की रानी थी। मीना ये सब देखकर हैरान और खुश हो जाती है क्योंकि वो परियों से मिलना चाहती थी। तभी रानी परी एक परी को कुछ कहती है और वो परी मीना की तरफ आती है। मीना ये देखकर डर जाती है। मीना डरो मत, मेरे साथ चलो, रानी परी ने तुम्हें बुलाया है। वो डरते हुए रानी परी के पास जाती है। मीना डरो मत, मैं रानी परी हूँ, तुम तो हमें रोज याद करती थी ना, और हमसे मिलना भी चाहती थी, खेलना भी चाहती थी, अब डर क्यों रही हो? चलो आओ खेलो हमारे साथ। ये सब सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। वो परियों के साथ बहुत देर तक खेलती है और खुश हो जाती है। तभी उसे याद आता है, अरे मुझे तो जल्दी घर जाना होगा, माता पिता चिंता कर रहे होंगे। उसे परेशान देखकर रानी परी उससे कहती है, क्या हुआ मीना, तुम परेशान क्यों हो गई? मैं मंदिर से आते हुए अपने माता पिता से बिछड़ गई, वो परेशान हो रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना है, मुझे घर जाना है। मीना तुम घबराओ मत, हम तुम्हें पहुंचा देंगे, मगर अभी हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? मदद? और वो भी मुझसे? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमें गंगा जल चाहिए अपनी दादी परी को बचाने के लिए, उन्हें एक जादूगरनी ने कैद कर लिया है, मगर गंगा जल किसी ऐसे इंसान के हाथों से चाहिए जो नेक दिल और सच्चा हो, तुम एक सच्ची बच्ची हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करो। आप चिंता मत करिए रानी परी, मेरा गांव गंगा किनारे है, मैं आपको जल लाकर दे दूंगी, मगर उसके लिए आपको मुझे मेरे घर छोड़ना होगा, मुझे मेरे घर का रास्ता नहीं पता है। रानी परी उसे उसके गांव ले जाती है और मीना उन्हें गंगा जल दे देती है। रानी परी खुश हो जाती है और कहती है, मीना तुम बहुत अच्छी हो, ये जादुई रुमाल ले लो, तुम इसे हमेशा अपने साथ रखना, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। धन्यवाद रानी परी, मगर क्या हुआ मीना, अब उदास क्यों हो? क्या अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी?
मीना, वैसे तो हम हर जन्मदिन पर तुमसे मिलने आएंगे, पर अगर कभी तुम किसी मुश्किल में हो तो इस रुमाल को देखकर हमें याद कर लेना, हम फौरन आ जाएंगे। ऐसा कहकर परिया वहाँ से चली जाती हैं और मीना अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।